एंड नरेश भुबिया, संभाग के अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर, राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति उदयपुर के तत्वाधान में पिछले 36 दिनों से नर्सेज की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग चल रही है। इस आंदोलन के तहत नर्सेज की 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री मांग में नर्सिंग स्टूडेंट से लगा करके नर्सिंग अधीक्षक तक की मांगे सम्मिलित की गई हैं। जैसे स्टूडेंट को स्टाइम फंड नाम मात्र का मिल रहा है, अतः हम चाहते हैं कि हमारे जीएनटीसी के स्टूडेंट को 2000 रुपये तथा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को 3000 रुपये और एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट का 5000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाए। साथ ही हम ये भी, हमारे संगठन की यह भी मांग है कि नर्सिंग ट्यूटर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पद गजेटेड किया जाए और हमारे जो ट्यूटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनका पदनाम भी परिवर्तित किया जाए। और हमारी मुख्य जो मांग है कि वेतन विसंगतियाँ, वेतन विसंगतियाँ नर्सेज की बहुत भारी हैं। हमारे जूनियर नर्सेज को सीनियर नर्सिंग स्टाफ से ज़्यादा वेतन मिल रहा है, इसलिए नर्सेज में भारी रोष व्याप्त है। साथ ही संविदा नर्सेज जो अपने जीवन का अमूल्य समय लगा करके संविदा पर काम किया है और वो अब 8 से 10 साल कार्य करने के बाद में परमानेंट हुए हैं, परंतु सरकार ने उनके सेवा काल को उनकी नियमित सेवा में नहीं जोड़ा है। अतः संगठन की मांग है कि उनकी संविदा पर जो कार्य किया है उन्हें उनकी नौकरी में जोड़ा जाए ताकि उनके पेंशन आदि में अधिक बढ़ोतरी हो और अच्छा लाभ मिल सके। साथ ही हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ठेके पर जो लगे हुए हैं कर्मचारी जो नाम मात्र की वेतन पर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी नियमित भर्ती हो। साथ ही जो काम कर रहे हैं ठेके पर उनको संविदा के रूप में लिया जाए ताकि उनका वेतन माह 37,500 रुपये प्रतिमाह मिल सके। धन्यवाद। रमेश चंद्र मीणा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांत व्यापी आह्वान पर 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रदेश की 50,000 नर्सेज विगत 18 जुलाई से आंदोलनरत हैं। हमने सरकार को कई बार अवगत कराया है, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। दिनांक 25 अगस्त 2023 को जयपुर में महारैली का आयोजन किया गया है और इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो प्रांत संघर्ष समिति के प्रांतव्यापी आह्वान पर आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें हम सभी सम्मिलित होंगे और इससे सरकार पर जो भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। जय नर्स, जय संघर्ष। मैं पवन कुमार दानाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर विगत 18 जुलाई से आज तक हमारा धरना प्रदर्शन, गेट मीटिंग और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने समय समय पर सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए सरकार को अवगत करवाया है, किंतु बड़े दुख की बात है कि सरकार ने आज तक हमारी मांगों की अनदेखी करी है। इसी के तहत प्रदेशव्यापी आह्वान पर हमने यहाँ पर दिनांक 25 तारीख को पूरे चिकित्सालय के संबंध जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में सामूहिक अवकाश की हमने घोषणा करी है और हमने यहाँ प्रिंसिपल महोदय को भी हमने इस बात से अवगत कराया है कि हमारे सभी नर्सेज 25 तारीख को महारैली जयपुर में सम्मिलित होंगे और अपनी एकता और ताकत का परिचय देंगे। अगर फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों पर नहीं मानती है तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा और
उसके पश्चात जो भी प्रदेश से जो दिशा निर्देश होंगे वो हम पूरा करेंगे। जय नर्स, जय शंकर। हेमंत कुमार अमेटा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। मैं हमारी जो नर्सेज का आंदोलन है विगत महीने भर से पूरे प्रांत में संचालित हैं, उसी क्रम में जो हमारा अगला कदम है वो हमारे 25 तारीख को जयपुर में हमारी महा रैली है और उसमें हम सभी लोग प्रस्थान करने के लिए पूरी राजस्थान की जो नर्सेज हैं वो हमारे अपने अपने क्षेत्र में एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर प्रस्थान कर रही है और वहाँ हमारी विशाल रैली का वहाँ पर आयोजन होगा और रामनिवास बाग पर हम प्रदर्शन करेंगे। और मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारी नर्सेज का जो आंदोलन है इतना लंबे समय से चल रहा है, उसके बावजूद भी जो उनकी हमारे प्रति उनकी जो संवेदनाहीन हो चुकी है, मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री उसके ऊपर मतलब हमारी मांगों को गंभीरता से लें और शीघ्रता शीघ्र पूरी करें।